आनंद तुम्हें दो उंगलियां क्यों क्यों दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दो सीट जीतेंगे खाली दाई, दो सीट। आप कहां 25 सीट इन लोगों को जिता रही हैं? ये लोग दो सीट जीतेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं दो सीट दो सीट जीतेंगे, भी वो नहीं, भी वही तो दोनों मैं बोलती हूँ, नहीं, दो दो जिता दो सीट इनको, दो जिताओ इनको, इसलिए कि दो दो जिता आदमी दो चाहिए, दो आदमी महाराष्ट्र में बीजेपी के नहीं, चाहिए, विधानसभा की थोड़ा कुछ वो लोग चर्चा लोकसभा करेंगे, लोकसभा लोकसभा की की बात बात कर कर रहा रहे हूं, हैं। दो सीट ये लोग जीतेंगे, दो ब्रिज सीट मोहन जी अपनी हंसी नहीं रोक लिख पा रहे, लो, ब्रिज मोहन लिख जी लो। बोलिए, कल का फैसला तो आपके लिए वरदान हो गया देखिए, ब्रिज मोहन जी। मुस्कुराहट मानक ब्रजमोहन जी भाई, का स्थायी भाव है। हाँ मानक भाई, ये वरदान खाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन डिसीजन है, जिसने इस बात को तय किया है कि किस प्रकार से जो ऐसे राजनीतिक दल जो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनेताओं के आभा मंडल से चलते रहते हैं और कानून की अनदेखी करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है। क्योंकि अगर पार्टियों में फैसला हो जाता है और उस फैसले की जानकारी अगर संबंधित एजेंसी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पूरा अधिकार उनके पास है, वहां तक अगर आप कोई संदेश नहीं पहुंचाते हैं, वहां तक आप अपने निर्णय की जानकारी नहीं देते हैं और उनका उस पर अनुमोदन नहीं लेते हैं, तो ऐसा ही परिणाम निकलेगा। ये सारे उन राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो आदरणीय नार्वेकर जी ने दिया है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से राजीव नार्वेकर जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक माइलस्टोन डिसीजन दिया जो आने वाले दिनों में इस कौन प्रकार से के दलों के दल लिए बदल है ये को माइलस्टोन बहुत डिसीजन? बहुत ताकत कौन से से दलों के लिए रोकेगा संदेश है भी। इसमें? आप शायद परिवारवादी दलों की बात कर रहे हैं ना? ये नहीं, मैं उन 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 दलों की बात कर रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ एक नेता के दम पर पूरी राजनीति, पूरे अपनी पार्टियों को चलाते हैं, मतलब कि उन लोगों परिवारवादी के लिए हुआ संदेश ना, है, एक क्योंकि नेता के दम वो पर लोग पूरा बैठकर कोई फैसला कर लेते परिवार हैं। पार्टी चलाता है, वही मतलब हुआ भाई ना? इसमें नहीं, शर्मगार परिवारवाद भी भी दम हो पर सकता है नहीं। इसमें। मेरा कहना है कि आभा मंडल से चलने वाले जो एक राजनीतिक दल जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक नेता के आभा मंडल पे चल रहा हो, जहां पे संविधान की अनदेखी की जा ओके, रही हो, जिन्होंने इस बात को तय ही नहीं किया कि उनका आपकी रैंक एंड पार्टी के फाइल सबसे कैसे बड़े काम नेता कौन है करेगा, ब्रिज ये मोहन उन लोगों जी? के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन है? हमारी पार्टी में पूरी तो आज हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष वो आदरणीय अजीत दादा पवार हैं, जिनका कि एक भी व्यक्ति, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति हमारी नेशनल कमेटी में मेंबर नहीं है, सिर्फ अजीत दादा पवार के और अलावा। अजीत दादा कैसे आप पवार किस कहेंगे कि परिवार के हैं ये तो पारिवारिक है? बताइए। परिवार का मतलब तो ये होता कि वहां पे एक, मानक भाई आप कैसी बात करते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी परिवार से तो होगा, पर आज अच्छा, राष्ट्रवादी एनसीपी कांग्रेस पार्टी परिवारवादी में पार्टी है या नहीं ये बताइए, किसी एक परिवार का बाहुल्य एनसीपी नहीं है। परिवारवादी पार्टी है या नहीं? हमारी पार्टी तो हमारी हमारी पार्टी बिल्कुल परिवारवादी नहीं है, इसमें किसी भी परिवार के दो लोग मेंबर नहीं है, ना प्रफुल्ल पटेल साहब के कोई क्या दो बात कर परिवार रहे हैं के आप? मेंबर है, शरद ना पवार, ब्रजमोहन सुप्रिया सुले, श्रीवास्तव के दो अजीत परिवार पवार, के इन्हीं की मेंबर है, पार्टी थी या सुनील एनसीपी? तटकरे रोहित साहब के पवार, परिवार के दो मेंबर कमाल है, है, रोहित पवार, परिवार क्या सारे होता पवारी है? पवार, क्या बात कर रहे हैं आप? आप कह रहे मानक भाई परिवारवादी पार्टी नहीं है एनसीपी? किसमें बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी राष्ट्रवादी उस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं जिसके नेता आदरणीय अजीत दादा पवार हैं, अच्छा मतलब पहले जिसके परिवारवादी कार्यकारी थी, अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल मतलब पटेल हैं, शरद उसकी पवार बात वाली कर रहा हूं। परिवारवादी थी एनसीपी, अब परिवारवादी नहीं है अजीत पवार वाली, ये कह रहे हैं आप? इसके लिए अगर आप विद्याताई से पूछे तो बेहतर होगा। मैं मेरी पार्टी की बात कह रहा हूं, हमारी पार्टी में परिवारवाद जैसा कुछ भी नहीं है। यहां पे हम सब लोग अलग अलग परिवार से आए हुए हैं, सब राजनीतिक क्षेत्र से निकले हुए लोग हैं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, जो बात चल रही है कि लगातार INDIE के साथी कह रहे हैं कि हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, हम भी उन्हें आमंत्रित करते हैं कि जनता के बीच में आइए, जनता के बीच में आके बताइए कि आपका नेता कौन है, जनता के बीच में आके बताइए कि आपका प्रोग्राम क्या है, आप किस एजेंडे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही तो जनता पूछ रही है, जिसका अच्छा जवाब बस खाली मीटिंग होती है, ठीक है, मीटिंग के अच्छा बाद फिर ओके, रैलियां ब्रिजमोहन निकलने जी, लगती हैं, फिर ब्रिजमोहन पदयात्राएं जी, शुरू हो जाती शिवसेना हैं। उद्धव ठाकरे गुट क्या परिवारवादी है? जी, इसके लिए तो मैं सोचता हूं भाई आनंद आनंद दुबे जी बैठे, बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अरे मैं वो अपनी मेरी पार्टी पार्टी के की बारे में बात कर थोड़े रहा हूं, बताएंगे, दूसरा वो मैं तो कहेंगे कानून के नहीं है, पक्ष की बात कर रहा मैं तो हूं, आपसे पूछ रहा हूं, जिसके बीजेपी तहत कहती है ना परिवारवादी पार्टियां, आप भी कहते हैं परिवारवादी पार्टियों के लिए संदेश है, तो तो कौन सी परिवारवादी पार्टी? उद्धव ठाकरे गुट के लिए ना, मानक भाई वो आनंद भाई परिवारवादी ने हो भी तो गई। कहा, मैं कह रहा हूं देखिए ना, इन मुद्दों को लेकर जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि देखिए कानून एक कानून का पक्ष था, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला, उसके अंतर्गत राहुल नार्वेकर जी ने फैसला दे दिया, तो एक कानून का पक्ष पूरा हुआ है। अब जैसा कि हमारे साथी बोल रहे हैं,
विपक्ष के साथी बोल रहे हैं कि अब हम जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता के बीच में इन्हीं मुद्दों को रखें। कितनी सीट जीतेगा बताइए, आपके हिसाब से ब्रिजमोहन जी आशीर्वाद देंगे, बता दीजिए। देखिए हम लोग तो ये चाहते हैं कि एनडीए की सरकार फिर से बने देश में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भरपूर बहुमत के साथ इस देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आज देश को एक स्थिर सरकार की जरूरत है। महाराष्ट्र में कितने जीतेंगे? जिस प्रकार से विश्व की राजनीति हो रही है, जिस प्रकार से हमारी तो कोशिश होगी हम पूरी सीटें जीतें, क्यों नहीं होनी चाहिए कोशिश। जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं?